आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, आप सभी को अमेज नाउ की ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सत्य घटना, मैं हूं सोनी निगम। सत्य घटना में पहले मुख्य समाचार। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर गोरखपुर जिला प्रशासन और व्यावसायिक संस्थाओं समेत निजी संस्थाओं और स्कूलों में कोविड-19 गाइडलाइन के साथ हुआ ध्वजारोहण। जिलाधिकारी गोरखपुर ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का किया सम्मान। रेलवे स्टेशन समेत गोरखपुर महानगर तिरंगे झालरों से सजा। आजादी की वर्षगांठ के मौके पर पुलिस लाइन परिसर में थैलीसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए आयोजित हुआ रक्तदान शिविर और ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में नए ऑक्सीजन प्लांट का हुआ उद्घाटन। अब सत्य घटना विस्तार। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहा है। उसी क्रम में गोरखपुर जनपद में भी विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयों और निजी संस्थाओं और स्कूलों पर ध्वजारोहण कर आजादी का पर्व कोविड-19 गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाया गया। एडीजी जोन अखिल कुमार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण करने के बाद पुलिस कर्मियों को बिना भेदभाव किए बेहतर कार्य करने की शपथ दिलाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमें 75 साल पहले आजादी मिली थी, हमें उन कुर्बानियों को याद करना चाहिए जिन देशभक्तों की वजह से हमें आजादी मिली है। इसके साथ ही हमारे द्वारा ली गई शपथ की एक एक बातों का हमें अक्षरशः पालन करना है। राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता सबसे सर्वोपरि रहेगी। बिना किसी भेदभाव ऊंच नीच के सभी की समस्याओं को सुनकर उन्हें न्याय दिलाना हमारा कर्तव्य है और थाने पर आने वाले हर नागरिक को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जनता बड़ी उम्मीद के साथ पुलिस के पास पहुंचती है। उसी क्रम में गोरखपुर के कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने भी अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाकर और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठापूर्वक एवं सत्यता से कार्य करने की शपथ दिलाई। इस दौरान कमिश्नर कार्यालय के सभी अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस मौके पर गोरखपुर कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इसके साथ ही गोरखपुर जिले में बेहतर आयुष्मान योजना को संचालित करने और मरीजों की अच्छी देखभाल करने में प्रथम स्थान पाने वाले गोरखपुर लाइफ केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर जेपी जायसवाल और बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने अपने संबोधन में कहा कि शासन की योजनाओं को निचले पायदान तक पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सभी गोरखपुर के सम्मानित नागरिकों को आज के इस स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। एक और साल हम लोग अपने देश को अखंड और मजबूत बनाने में और हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने पुलिस लाइन में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 54 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र तथा मेडल देकर सम्मानित किया, जिसमें रेडियो उपनिरीक्षक मिराजुल हसन को सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा हेड कांस्टेबल रुपेंद्र नाथ सिंह को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 जवानों को अति उत्कृष्ट सेवा हेतु पदक प्रदान किया गया। इस दौरान 16 स्वाट टीम के जवानों को उत्कृष्ट कार्य और डायल 112 के 10 जवानों एवं अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर SP सिटी सोनम कुमार, SP ट्रैफिक राम सेवक गौतम, SP क्राइम डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, SP उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी, SP दक्षिणी अरुण कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी और पुलिस के जवान उपस्थित रहे। इस दौरान पुलिस ऑफिस पर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने तिरंगा फहराया तथा समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए कहा कि राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं अखंडता सुरक्षित रखने तथा उसे सुदृढ़ बनाने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा। मैं ये भी पुष्टि करता हूं कि कभी भी हिंसा का सहारा नहीं लूंगा और वर्ग, भाषा और क्षेत्र से संबंधित मतभेदों और विवादों या अन्य राजनीतिक अथवा आर्थिक समस्याओं का समाधान शांति तथा संवैधानिक तरीके से करूंगा।
इसी क्रम में महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम परिसर में ध्वजारोहण किया। इसके बाद महापौर सीताराम जायसवाल और नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने पार्षदों के साथ गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। आपको बता दें कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को नगर निगम प्रशासन बीते 9 अगस्त से ही विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन कर अमृत दिवस के रूप में मना रहा था। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर हर तरफ उत्साह है। गोरखपुर में भी इस मौके पर जगह जगह सजे तिरंगे झालर शहर की शोभा बढ़ा रहे हैं। गोरखपुर रेलवे स्टेशन हो या फिर महाप्रबंधक कार्यालय, तिरंगे झालरों से सजा है, जिसकी छटा चारों तरफ बिखर रही है और लोग उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। आजादी की इस पावन पर्व पर महाप्रबंधक रेलवे विनय कुमार त्रिपाठी ने गोरखपुर जिले के लोगों के साथ ही रेल परिवार को भी बधाई दी। साथ ही कहा कि हमें आशा है कि हमारा देश इसी तरह विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर गोरखपुर जनपद के पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस में थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है। इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन SSP डॉ. विपिन ताडा ने फीता काट कर किया। इस रक्तदान शिविर में अधिक से अधिक संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान किया। इस दौरान SPCT सोनम कुमार, RI उमेश कुमार दुबे व अन्य उपस्थित रहे। इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने और ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर SK यादव ने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के द्वारा रक्तदान किया जा रहा है। जी, आज यहाँ पुलिस लाइन में हमारे ADG महोदय साहब की प्रेरणा से आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। पुलिस कर्मी और अन्य लोग भी स्वैच्छिक रूप से रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान महादान है, इस कार्य को सभी को करना चाहिए, जिससे आपातकालीन स्थिति में किसी का जीवन बच सकता है। गोरखपुर जनपद के महेवा सब्जी मंडी में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के तत्वावधान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देश के शहीदों को नमन किया गया। इस मौके पर मंडी समिति के अध्यक्ष अवध कुमार गुप्ता, महामंत्री फिरोज अहमद राइन और सचिव रजित राम वर्मा ने संयुक्त रूप से तिरंगे को फहराकर सलामी दिया। इस दौरान मंडी समिति के सचिव रजित राम वर्मा ने संकल्प पत्र पढ़कर राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहने एवं मंडी समिति के उत्थान के लिए वहां उपस्थित सदस्यों को शपथ दिलाया। मंडी समिति के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम जिस खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं वो बहुत सी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हुई है। बलिया जनपद में कुछ दबंगों ने एक पीड़ित परिवार की जमीन को कब्जा कर लिया, जिसके बाद से पीड़ित परिवार न्याय की आस में जनपद के आला अधिकारियों का चक्कर लगाता फिर रहा है। पूरा मामला जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र स्थित कचबचिया गांव का है, जहां कुछ दबंगों ने एक पीड़ित परिवार की जमीन को कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि गांव के ही राजभर बिरादरी के लोग पीड़ित की जमीन पर जबरिया छप्पर डालकर अपने मवेशियों को बांध दिया है। पीड़ित परिवार द्वारा लाख मना करने के बाद भी जमीन को खाली नहीं किया जा रहा है। हालांकि हाई कोर्ट ने भी भू स्वामी के पक्ष में कब्जा दिलाने का स्थानीय प्रशासन को निर्देश पहले ही दे दिया है, लेकिन आज भी उस जमीन पर दबंगों का कब्जा बरकरार है। ऐसा बाजी पहले हूँ हमारी जमीन रहे, चकबंदी हमके एजा से हटा दिहलस, आबादी को दिहलस, फिर चकबंदी हमारा के एजा दिहलस, मामला हाई कोर्ट में गई, स्टे करावल लो हाई कोर्ट अथी कह के खारिज कर दिया से हमारा के फिर हमारा मूल पर भेज दिया भूमिधरी के जमीन है एक जबरदस्ती कब्जा करती कर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोरखपुर जिले में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान गोरखपुर के सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन ने जहां रामगढ़ ताल स्थित नौकायन केंद्र पर स्थित सबसे ऊंचे तिरंगे को फहराया, वहीं बेनीगंज स्थित BJP कार्यालय पर भी झंडारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इसके साथ ही उन्होंने एक देशभक्ति गीत भी गाया। तो आज तो बड़ा, आज तो आजादी का दिन है, हम सब लोगों को आज बड़ा प्रसन्न है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब गोरखपुर जिले में भी इससे बचाव की मुकम्मल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसी क्रम में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय में नव स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सांसद रवि किशन द्वारा किया गया।
इस मौके पर रेलवे के जीएम विनय कुमार त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद रवि किशन ने कहा कि इस प्लांट के लिए मेरे द्वारा किया गया प्रयास सार्थक रहा, अब इससे मरीजों को और अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सकेंगी। वहीं रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती भी है तो इस प्लांट के लगने से हमें मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने में आसानी होगी। गोरखपुर के रेलवे के अस्पताल में 500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, उससे जो अभी भगवान न करे थर्ड वेव आए, पर अगर थर्ड वेव आई तो हम लोग ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह से सेल्फ सफिशियंट रहेंगे, हमें कहीं और से ऑक्सीजन अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताजी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।